वेल, आपको अभी लोन की ज़रूरत है और आप सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं हम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने, ऑनलाइन ही किसी एप्लीकेशन में ट्राई कर लेते हैं जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। जैसे कि हो सकता है आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत ना हो, 10-20 हज़ार या 50 हज़ार रुपये तक की आपको ज़रूरत हो, तो उसके लिए बहुत सारे यूज़र्स जो है ऑनलाइन ही लोन लेना प्रेफर करते हैं। तो आप अगर ऑनलाइन लोन लेना चाहते हैं तो पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। एक पर्सन ने ऑनलाइन लोन लिया और मात्र 5 हज़ार या 10 हज़ार रुपये का लोन लिया था, लेकिन उनको चुकाना पड़ा लाखों रुपए। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और लोन लेते टाइम आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके साथ में फ्रॉड ना हो, कैसे पहचाने की कोई एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या नहीं, क्योंकि आरबीआई के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 1100 लोन एप्लीकेशन के ऊपर सर्वे किया गया, जिसमें से 600 प्लस जो लोन एप्लीकेशन थी वो फर्जी लोन एप्लीकेशन थी, और वो भी ये सारे प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो आप भी अगर ऑनलाइन लोन लेने का सोच रहे होंगे तो प्ले स्टोर पर ही जाएंगे और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने डिटेल्स वगैरह सबमिट करके जो आपकी रिक्वायरमेंट होंगी उतनी अमाउंट आप वहां से ले हुए, तो यही प्रोसेस ही होता है। बट आप ये करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है जिससे आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन है, जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, वो आपको अपने झांसे में किस तरह से लेते हैं। तो देखिए, जो इस तरह के लोन एप्लीकेशन होंगे ना, आप उनको इंस्टॉल करोगे तो आपसे वो कई तरह के परमिशन लेने लग जाते हैं। ये तो पहला स्टेप हो गया उनका। दूसरा स्टेप ये होता है लोन लेने के लिए कि आप अपना जो पर्सनल डिटेल्स हैं लाइक आधार कार्ड, पैन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी आप वहाँ पर सबमिट करते हैं, उसके बाद में ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। हो सकता है आपको ज़रूरत 20 हज़ार रुपये की हो, लेकिन वहाँ पर आपको रैंडम अमाउंट शो कर जाए, 10 हज़ार रुपये आप ले सकते हो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, और आपने 10 हज़ार रुपये जो है इंस्टेंट वहाँ से लोन ले लिया। तो आपको लोन मिल गया तो आप तो सोचोगे ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन क्योंकि हमें लोन मिल गया, लेकिन वो बैकएंड में कुछ ऐसा करेगी जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वो क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो जब आप लोन लेते हो तो उसको किसी न किसी एक टाइम पीरियड के लिए लेते हो, यानी 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए आप उस लोन को लेते हो। तो शुरुआत के महीना 2 महीना आप उसका लोन का रिपेमेंट करोगे तो आपके सिबिल वगैरह में या आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद में वो आपको हरास करने की कोशिश करेंगे। जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, जो रियल लोन एप्लीकेशन है, उनके तरफ से आपको कोई भी हरासमेंट नहीं होती है, लेकिन जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है उनके तरफ से आपको ये बताया जाएगा कि अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया है, तो आपको जो है अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो रीपेमेंट है वो करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानते हैं उसकी इन बातों को तो फिर वो दूसरे हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि जब आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा तो आपसे उसने परमिशन ली होगी आपकी गैलरी की, आपकी लोकेशन की, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। तो हो सकता है आपकी जो गैलरी के परमिशन ली है उसमें जो आपके प्राइवेट फोटो वगैरह हैं उनको वो एडिट करके उसके बाद में वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर करने लग जाए और आपको बोलेंगे कि अगर आप इतने रिपेमेंट नहीं करते हो, यानी आप मुझे इतने पैसे नहीं दोगे, तो ये सारी जो वीडियोस हैं फोटोज हैं मैं लीक कर दूंगा, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे पास हैं उनको मैं कॉल करूंगा बार बार। और ऐसा देखा गया है, रियलिटी ये चीज़ें हो रही हैं कि लोन लिया किसी और ने, वो लोन कंपनी जो है उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नंबर होते हैं उन पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि फलाने आदमी ने हमसे इतना रुपया लिया है और हमें वो पैसे नहीं दे रहा है। भले ही आपने उसकी पूरी की पूरी लोन की रिपेमेंट कर दी हो, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं, यानी वो डायरेक्टली आपके प्रेस्टिज के ऊपर वार करते हैं जिससे आप शर्मसार हो जाओ और आप उनकी बातें मानकर उनको पैसे दो, ये वो चाहते हैं। तो बहुत सारे यूजर जो है इस फ्रॉड में फंस जाते हैं, इस स्कैम में फंस जाते हैं और वो पैसे भी दे देते हैं। तो ये उनका एक बार का नहीं बल्कि ये कंटिन्यूसली चलने लग जाता है। जब तक वो पैसे देते रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो पैसा देना बंद कर देते हैं तो फिर उनके साथ में यही चीजें दोहराई जाती हैं और बोला जाता है अगर आप पैसे देना बंद करो दोगे तो हम आपका जो भी प्राइवेट फोटो से वीडियो से उसको लीक कर देंगे। तो अब आपका सवाल होगा कि जब हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो क्या हम उन्हें परमिशन नहीं देना चाहिए? तो देखिए, परमिशन तो रिक्वायरमेंट सभी को होती है, क्योंकि जो जेन्युइन एप्लीकेशन है वह भी जो है आपसे परमिशन लेती है, लेकिन वो उस डाटा का मिसयूज नहीं करती है। तो परमिशन तो आपको देनी ही पड़ेगी तभी आपको वो लोन वगैरह देंगे, लेकिन आपको ये पहचानना आना चाहिए कि जिस हम एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं वो आरबीआई से अप्रूव्ड है या नहीं है, आरबीआई का लाइसेंस उनको मिला है कि नहीं मिला है, और जो डेवलपर कॉन्टैक्ट है वो उनके एप्लीकेशन के ऊपर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, फिर जाकर आपको लोन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी प्ले स्टोर पर जाओगे और वहां पर लोन सिर्फ टाइप करोगे ना तो आपको 1000 से भी ज्यादा लोन एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से सभी एप्लीकेशन के ऊपर ट्रस्ट करना बेवकूफी है।
कुछ ही ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर आप ट्रस्ट करके लोन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप भारत पे से लोन ले सकते हो, मोबीक्विक लोन प्रोवाइड कर रहा है इससे लोन ले सकते हो। देखिए ये डायरेक्टली आपको लोन नहीं देते हैं लेकिन इनका जो बैकएंड में पार्टनर है उनको जो है आरबीआई से लाइसेंस मिला हुआ है, आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी कंपनीज है जिनके थ्रू आपको लोन दिया जाता है। अगर हम पेटीएम की बात कर ले, पेटीएम पे लेटर आपको प्रोवाइड करता है, पेटीएम लोन भी आपको प्रोवाइड करता है, तो वो जो है आईडीएफसी बैंक की तरफ से लोन प्रोवाइड आपको करवाता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको पता ही होगा कितना ट्रस्टेड बैंक है जिनके थ्रू आपको लोन मिल रहा है। तो इस तरह के एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट कीजिए, बचिए उन एप्लीकेशन से जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है जिनका बारे में आपको पता ही नहीं है, या किसी से आपने सुन लिया, हो सकता है किसी को 2000 का लोन मिल गया हो और उसने टाइम से पेमेंट भी कर दी हो, उसको कोई इशू ना आया हो, लेकिन आप एक बड़े अमाउंट के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपने उस दोस्त या रिलेटिव की बात मानकर उस एप्लीकेशन पर ट्रस्ट कर लिया और लोन ले लिया, फिर बाद में आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले आप अपनी जो रिसर्च है वो कंप्लीट कर लीजिए, फिर ही आप किसी एप्लीकेशन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए और वहां से लोन लीजिए। यहां पर अगर आप मेरी राय मानना चाहें तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि पहले तो आप ट्राई कीजिए आप अपने बैंक में। अगर आपको छोटे अमाउंट की भी जरूरत है 10,000-20,000 की, फिर भी आप ट्राई कीजिए अपने बैंक में, क्योंकि आज के टाइम में खुद बैंक वाले भी जो है अपने एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं जहां पर आपको छोटे छोटे अमाउंट भी विदाउट कॉलेटरल जो है आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी पर्सनल लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आप उन पे ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने ब्रांच में जा सकते हैं या अपने आरएम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या कस्टमर केयर में कॉल करके उनको बोल सकते हैं कि हमें लोन की रिक्वायरमेंट है, सजेस्ट करें या हमें कोई एप्लीकेशन आपका जो है वो बताए, तो उन सभी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बशर्ते यही होना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो बैंकों के बारे में भी, तो ये ध्यान में रखिएगा कि वो जेन्युइन वेबसाइट हो, जेन्युइन एप्लीकेशन हो, तभी आपने वहां से लोन लेना है। बट हो सकता है कुछ लोगों ने ये ट्रिक ट्राई भी की हो, यानी बैंक से उन्होंने कोशिश की हो लोन लेने की लेकिन फिर भी नहीं मिला है, तो उसके लिए आप जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो ट्रस्टेड और पॉपुलर एप्लीकेशन है उन पे ट्राई कीजिए, जैसे कि मोबीक्विक हो गया, पेटीएम हो गया, क्रेडिट बी हो गया, भारत पे हो गया, ये सारे आपको लोन प्रोवाइड करते हैं और ये जेन्युइन एप्लीकेशन है। यहाँ से आप लोन लेते हो, रिपेमेंट करते हो, तो आपके सिबिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टाइमली रिपेमेंट करते रहिए। हाँ, अगर आप रिपेमेंट वगैरह नहीं करोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोग जो है इस तरह के स्कैम में फंस चुके हों, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो पहली चीज़ तो आप ये देखिए, आप पैनिक मत होइए। अगर तो ये पॉसिबल है कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो तो जरूर से कीजिए, नहीं पॉसिबल है तो आप ऑनलाइन भी इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। सो यही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दिया है। और अगर आपके किसी जानने वाले के साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा, या फिर आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैं कोशिश करूंगा अगर वो किसी ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन करने का। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जेन्युइन कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।